की जो सरकारें होती हैं ये हर बार अपना पैटर्न लागू करती हैं। पिछली बीजेपी सरकार में रिट के आधार पे एक पोस्टिंग दे दी, फिर इन्होंने ग्रेड थर्ड एग्जाम का आयोजन किया इस बार, तो ये हर बार बदलता रहता है। अब इनका पता नहीं, मान लो भजनलाल सरकार को ये सूझ जाए कि हम ग्रेड थर्ड का एग्जाम करवाएं उसमें रिट के नंबरों का वेटेज बढ़ा दें, तो कर सकते हैं, पिछली बार भी किया था बीजेपी सरकार ने। तो ये मान लो कोई वेटेज दे देंगे 20% रेट के नंबरों को जोड़ा जाएगा, तो वहां आपका स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कोशिश ये करें कि यदि आपका स्कोर कार्ड 2022 वाली रेट में कमजोर रहा है तो इसको सीरियसली दें और स्कोर कार्ड बढ़ाएं। सरकारों का पता नहीं होता कब नियमों में फेरबदल कर दें, कब ये चीजों को बदल दें, कोई भरोसा नहीं है। हमें हमारी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि कैसा भी फेरबदल हो जाए हमें इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए आपको माइंडली तैयार रहना है, ठीक है। तो ये इसकी तो एक बेसिक चीजें होगी जो मैंने जानकारियां दी हैं, बाद में बाकी मैं सवालों की बात करूंगा। अब आपके दिमाग में आता है कि सर 90 दिन है, मैं 90 दिन की बात कर रहा हूं क्योंकि 90 डेज ही मान के चलिए आप, आपके पास प्योर 90 डेज हैं जिसमें दीपावली के 5-7 दिन आप खराब कर सकते हो। यदि मैं राय नहीं देता कि दीपावली मनानी चाहिए और हर चीज को जीना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर जब और आपके अस्तित्व की लड़ाई जब चल रही हो ना, तो एक साल में तो ईमानदारी से कहता हूं कि आप एक साल इन भर्तियों को दो, 2025 तक ये तीनों भर्तियां किसी न किसी रूप में संपन्न हो जाएंगी। आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह पाओ कि सर मैं ढंग से नहीं कर पाया, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये सवाल आदमी को एकदम से फ्रस्ट्रेशन में ले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, एक साल दिल से मेहनत कीजिए, व्यवस्थित तरीके से मेहनत कीजिए, जिस एग्जाम को लेकर चल रहे हैं उसके पूरे सिलेबस को सामने रखकर, उसके PYQ को रखकर, कौन सी संस्था उस एग्जाम को आयोजित करवा रही है उसका पूरा स्वरूप आपको पता होना चाहिए, और एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर एक साल डेडिकेटेड होकर दीजिए।